पूरा कर दिया, 47,000 कुओं का काम पूरा कर दिया। भाइयों बहनों, जो किसान पैदा करते हैं उनकी फसल बर्बाद न हो इसलिए स्टोरेज का काम करना था। मध्य प्रदेश बुंदेलखंड ने किसानों के लिए 6,00,000 टन अनाज संग्रह के लिए गोडाउन वगैरह तैयार करने थे, कर दिए। उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड में 1 किलो का भी वृद्धि नहीं की गई। ये पैसों की बर्बादी नहीं है तो क्या है? भाइयों बहनों, जहां सूखा होता है, जहां किसानों को परेशानी होती है, वहां अगर पशुपालन पे ध्यान दिया जाए, दूध उत्पादन पर ध्यान दिया जाए तो वहां के किसान को बचाया जा सकता है। भाइयों बहनों, मध्य प्रदेश बुंदेलखंड ने 18,000 परिवारों को इस काम में जोड़ा, पशुपालन में, दूध उत्पादन में, दूध की व्यवस्था करने में। लेकिन उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड ने, जहां सपा और बसपा की सरकारें हैं, जो पुरानी मंडलियां थी उसमें भी राजनीति उठापटक का खेल खेला और ज्यादातर मंडलियों को ताले लग गए। भाइयों बहनों, ये काम सपा और बसपा वालों ने किया है। भाइयों बहनों, मैंने विस्तार से इसलिए बताया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तो जनता के पाई पाई का समय पर उपयोग करती है, और सपा बसपा की सरकार है तो सत्ता का उपयोग खेल खेलने के लिए किए जाते हैं, जनता की भलाई के लिए नहीं किए जाते हैं। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज आपसे अनुरोध करने आया हूं कि आप उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलने का संकल्प कीजिए। उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलेगा तभी आपका भाग्य बदलेगा। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश ने अनेक प्रधानमंत्री दिए हैं देश को, अनेक प्रधानमंत्री दिए हैं। मुझको भी उत्तर प्रदेश ने बनाया है। उत्तर प्रदेश का मुझ पर हक है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार दो। अब तक उत्तर प्रदेश से जितने प्रधानमंत्री हुए उन्होंने जितना काम उत्तर प्रदेश से लिए किया है, मैं अकेला उन सबसे ज्यादा करना चाहता हूं। मुझे ऐसी सरकार दो, मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूं। भाई, मुझे आपके लिए कुछ करके जाना है। भाइयों बहनों, मैं कर्ज चुकाने आया हूं, मैं सामने से आपकी सेवा करने आया हूं। जी 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े।